हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास एक सैमसंग 15 इंच का टीवी है, 15 इंच सॉरी दोस्तों, ये अल्ट्रा सिम का 14 इंच का टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम देखूंगा, सॉल्यूशन करके बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, और मेरा चैनल पर जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया ऐसे वाला वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले चेक करेंगे। जैसे मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद हमारा जो पावर इंडिकेटर होता है, पावर इंडिकेटर डिपारिंग करना शुरू कर देता है। और शुरू कर देने के बाद कुछ देर के बाद हमारा टीवी स्टार्टिंग हो जाता है, और हमारा ये देखिए नो सिग्नल लिखा आ गया है, और कुछ देर के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, और ऑफ होने के बाद वो खुद ही ऑटोमेटिकली ऑन होने के लिए कोशिश करता है, और टीवी हमारा ऑफ ऑन ऑफ ऑन होते रहता है। और एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, ये हमारा रिमोट है, ये रिमोट से हमारा ये देखिए अभी तो चालू है टीवी, इसीलिए जब मैं पावर बटन दबाता हूँ पावर बटन भी काम नहीं कर रहा है, और जो हमारा वीडियो बटन है वीडियो बटन भी काम नहीं कर रहा है। देखिए एक चीज़ गौर कीजिए, मैं एक वाला बटन को दबा रहा हूँ तो हमारा इंडिकेटर तो डिपारिंग कर रहा है जो करना चाहिए था, मतलब हमारा सेंसर काम कर रहा है। सेंसर काम करने के बाद भी हमारा टीवी स्क्रीन पे कोई भी चेंजिंग नज़र नहीं आ रहा है। इसीलिए दोस्तों ये टीवी अभी चालू है, कुछ देर के बाद गर्म होने के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ ऑन होते रहेगा। वो छोड़िए, एक चीज़ गौर कीजिए, हमारा रिमोट वर्क नहीं हो रहा है। ये वाला प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए पहले टीवी को खोलना पड़ेगा, और खोलने के बाद देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं टीवी को पहले खोल लूँगा, खोलने के बाद दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने टीवी को खोल चुका हूँ। ये देखिए हमारा अल्ट्रा सिम का ट्यूब है 14 इंच का, एरा योक कॉयल, एरा बेस पीसीबी, एरा आज का मेन पीसीबी। दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम आया है ये हमारा मेन पीसीबी का प्रॉब्लम है, और मेन पीसीबी पे कहाँ पे प्रॉब्लम है वो चेक करने के लिए इसका सभी जो वोल्टेज होता है एक एक करके वोल्टेज चेक करेंगे। क्यों ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग हो रहा है, ऑटोमेटिकली ऑफ हो रहा है, और दोस्तों हमारा टीवी क्यों हमारा रिमोट पे काम नहीं कर रहा है। रिमोट काम नहीं करेगा तो कुछ भी शिफ्ट हो जाएगा, साउंड या ए भी शिफ्ट हो जाएगा तो हमारा काम नहीं करेगा। इसीलिए दोस्तों एक एक करके सभी वोल्टेज को चेक करना ज़रूरी होता है। जैसे दोस्तों मैं टीवी को पावर दे देता हूँ, पावर दिया, और पावर देने के बाद मेरा इंडिकेटर जल चुका है और डिपारिंग हो रहा है, और डिपारिंग होने के बाद एक एक करके सभी वोल्टेज को चेक करेंगे। जैसे पहला तो हमारा ईएसटी का वोल्टेज चेक करेंगे, देखिए 116 बता रहा है, ये 116 वोल्टेज हमारे ईएसटी पे पहुंच रहा है, 115 पहुंच रहा है, देखिए 123 पहुंच रहा है, ये 130 देखिए इस पे भी 32 आ गया है स्टार्टिंग होने के बाद। और उसके बाद और एक वोल्टेज रहता है, इस पे चेक करेंगे, देखिए ये देखिए 12 वोल्ट का पॉइंट है, 11.1 बता रहा है, और एक वोल्टेज होता है 6.5, इस पे 13 वोल्ट बता रहा है, 13 वोल्ट आता है। और उसके बाद हमारा ये वाला वोल्टेज पहुंचता है कहाँ पे, हमारा सिस्टम पे जो 5 वोल्ट रेगुलेटिंग करता है, इस वाला लास्ट वाला छोड़ पे पहुंचेगा, देखिए 5.6 बता रहा है, 6 वोल्ट बता रहा है, ये रेजिस्टेंस के थ्रू है। सभी हमारा जो वोल्टेज है वो हमारा पावर सिक्स से रिलेटेड सभी वोल्टेज ओके है। उसके बाद दोस्तों इसका और एक चीज़ चेक कर लेते हैं, हमारा ईएसटी रनिंग हुआ कि नहीं, ईएसटी रनिंग हुआ कि नहीं वोल्टेज को चेक करेंगे। तो इस पे हमारा पहले 200 वोल्ट चेक करेंगे, जो हमारा ए वाला बेस पीसीबी को वोल्टेज देता है 199 बता रहा है, मतलब ईएसटी रनिंग है। उसके बाद और दो वोल्टेज चेक कर लेते हैं, -15 वोल्ट +15 वोल्ट, देखिए 16 वोल्ट आ चुका है। उसके बाद और एक चीज़ चेक कर लेते हैं, हमारा 5 वोल्ट रेडी हुआ कि नहीं, ये वाला पॉइंट पे हमारा 5 वोल्ट मिलेगा, देखिए 4.9 5 वोल्ट मिल रहा है, मतलब दोस्तों हमारा सभी वोल्टेज ओके है। उसके बाद हमारा सेंसर पे वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि सेंसर पे जो हमारा रिमोट काम करना चाहिए था रिमोट काम नहीं कर रहा है, इसीलिए इस पे वोल्टेज चेक करेंगे तो पता चल जाएगा जो हमारा रिमोट से हमारा सेंसर काम कर रहा है कि नहीं। दोस्तों ये देखिए रिमोट को मैं दबा रहा हूँ, और ये रिमोट का सेंसर पॉइंट है, और देखिए ये 4.6 हमारा लोड रिमोट काम कर रहा है, देखिए
वोल्टेज फिगरिंग हो रहा है। मतलब दोस्तों क्या हुआ, हमारा ये वाला सिस्टम पे हमारा सेंसर रनिंग हो रहा है। मतलब दोस्तों हमारा सेंसर काम कर रहा है, सेंसर काम करने के बाद भी सेंसर काम कर रहा है मतलब हमारा एलईडी डिपायरिंग हो रहा है। डिपायरिंग हो रहा है मतलब सेंसर काम करने का मतलब क्या होता है, हमारा ये जो प्रोसेसर है प्रोसेसर पे सेंस पहुँचना जरूरी होता है, लेकिन सेंस तो पहुँच रहा है, पहुँचने के बाद भी हमारा काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है ये जानना जरूरी है। जैसे हमारा इस पे तो वोल्टेज पहुंच गया, इस पे हमारा 5 वोल्ट बन रहा है, इस पे हमारा 3.3 वोल्ट बन रहा है, 3.4 वोल्ट, मतलब सभी सिस्टम पे हमारा वोल्टेज सिलेक्टेड है, वोल्टेज सही है। उसके बाद भी हमारा रिमोट नहीं काम कर रहा है। और कभी कभी क्या होता है, टीवी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है, ऑन हो जाता है, तब ये वाला एलईडी फिर से डिपायरिंग करना शुरू कर देता है। ये क्यों हो रहा है ये चीज़ जो देखना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों हमारा कीपैड सेक्शन जो होता है, कीपैड सेक्शन पे हमारा दोनों पॉइंट होता है, दोनों पॉइंट इस पे मिलेगा, ये दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट पे देखिए इस पे एक वोल्टेज मिलता है 2 वोल्ट 2.1 मिल रहा है, और इस पे मिल रहा है हमारा 3.4 वोल्ट। यही वोल्टेज हमारा पहुंचता है कीबोर्ड पे, कीबोर्ड पे कहाँ पे जो की स्विच लगाया हुआ है वो स्विच पे चेक करेंगे, इस पे मिल रहा है 3.3 और इस पे मिल रहा है 1.92 वोल्ट तक मिल रहा है। ऑटोमेटिकली ये शिफ्ट होते रहता है, क्योंकि ये शिफ्ट हो रहा है मतलब यही काम नहीं कर रहा है, इस पे 2 वोल्ट आ गया है, और यही 2 वोल्ट हमारा की पीरियड को काम कर बताता है। ये रेजिस्टेंट के थ्रू वोल्टेज को ड्रॉपिंग करके इसको काम कर बताता है, सेंस भेजता है हमारा ये वाला प्रोसेसर को। लेकिन दोस्तों एक चीज़ देखिए, ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया, ऑन हो गया, देखिए मतलब टीवी हमारा ऑफ हो गया है, फिर से ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली कुछ देर के बाद। ये देखिए ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया है, ये ऑन हो जाएगा, मतलब ये खुद से ही ऑफ हो रहा है, खुद से ही ऑन हो रहा है। ये वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वाला कीपर से इसको देखिए ऑन हो गया है, फिर से स्टैंड हो गया है। स्टैंड को ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिमोट से दबाने से इसको, ये देखिए रिमोट से मैं दबा रहा हूँ, रिमोट से इसको काम नहीं हो रहा है, ये देखिए। और हमारा कुछ देर के बाद ये वाला सिस्टम को मैं जो शॉर्टेज कर दूंगा तो हमारा सिस्टम फिर से चालू हो जाएगा। देखिए मैं ये एलईडी रिपेयरिंग करना शुरू कर दिया, और देखिए हमारा कुछ देर के बाद टीवी ऑन हो जाएगा। ये सैमसंग टीवी थोड़ा सा टाइम लेता है, देखिए ऑन हो गया। मतलब दोस्तों हमारा एक तो हमारा ऑटोमेटिकली ऑफ हो रहा है सिस्टम, और दूसरा हमारा रिमोट नहीं काम कर रहा है। ये वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा कीपैड स्विच को जो सिस्टम है सिस्टम को काटना पड़ेगा। कैसे काटेंगे, जो हमारा प्रोसेसर से निकल के 2 वोल्टेज आता है वो वोल्टेज को नहीं काटना है, वो वोल्टेज को काट देंगे तो ऑटोमेटिकली ये शिफ्ट होते रहेगा, जो हमारा ये प्रोटेक्शन मोड पे चला जाएगा। इसका जो वोल्टेज रिलेटेड है इसके थ्रू हमारा दोनों रेजिस्टेंट के थ्रू हमारा ग्राउंड कर दिया गया है, वो रेजिस्टेंट को पहले ही काट देंगे तो ऑटोमेटिकली आईसी को सेंस नहीं मिलेगा, तो वोल्टेज डिपारेट करता रहेगा और हमारा चैनल का चैनल चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, या साउंड चेंज हो जाएगा, और या ऑटोमेटिकली ऑपन होते रहेगा। इसीलिए क्या करना है, हमारा कीपैड पे जो पॉइंट इन हुआ है इस पे एक पिन इन हुआ है, दूसरा पिन ए इन हुआ है, लेकिन ए तीसरा पिन इस पे गया है। ए पहला वाला पिन, ए दूसरा वाला पिन को क्या करना है, एक इसको खोल देना है, सोल्डरिंग को खोल देने से क्या होगा, ये आईसी से जो सेंस मिल रहा था इसको ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ये कीपैड स्विच काम करना बंद कर देगा, और यही कीपैड पे कोई शॉर्टेज है जो, या ट्रैक लाइन पे कोई शॉर्टेज है, इसीलिए ही ये ऑटोमेटिकली काम कर रहा है ऑफ ऑन, और दूसरा हमारा रिमोट को काम करने नहीं दे रहा है, इसीलिए ये दोनों पिन को मैं खोल देता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने ये दोनों पॉइंट को मैंने खोल दिया हूँ, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये देखिए ये दोनों पिन को मैंने इसको ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद क्या होता है, हमारा सिस्टम रनिंग हो चुका है। मैं फिर से टीवी को खोल के इसको कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट कर देने के बाद जैसे हमारा एलईडी ऑन होना चाहिए ऐसे ही ऑन हो गया है, डिपायरिंग करना शुरू कर दिया, और हमारा टीवी स्क्रीन पे भी जैसे पिक्चर आना चाहिए वो ऑन हो जाएगा। देखिए ऑन हो गया है,
और ऑन होने के बाद ओटा नहीं एटा ऑन होने के बाद दोस्तों क्या हुआ, ये वाला पॉइंट पे जो वोल्टेज आ रहा था इसको मैंने खोल दिया हूँ। देखिए कोई भी वोल्टेज नहीं है, इस पे भी कोई वोल्टेज नहीं है, मतलब दोस्तों हमारा कीपैड पूरा पूरी तरह से ओपन कर चुका हूँ। ओपन कर देने के बाद टीवी तो जो हमारा प्रॉब्लम था ऑटोमेटिकली ऑफ ऑन का, वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और दूसरा जो हमारा रिमोट काम नहीं कर रहा था, ये देखिए मैं पावर दबाता हूँ, एक पावर दबाया पावर काम करना शुरू कर दिया, इसको फिर से दबाया पावर ऑन हो गया। और देखिए मैं ये भी दबाता हूँ, टीवी ऑन होने के टाइम लगेगा, देखिए ऑन हो गया है, ये भी मूड पे है। मैं क्या करूँगा, वीडियो मूड को चैनल मूड को दबाऊँगा, देखिए चैनल दबाया तो इसका स्नो आ चुका है, मैं वीडियो दबाया वीडियो ऑन हो चुका है। इसका वॉल्यूम बढ़ाता हूँ, देखिए वॉल्यूम अप डाउन हो रहा है, देखिए कम रहा है जो साउंड कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है, देखिए। मतलब दोस्तों रिमोट जो काम नहीं कर रहा था वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, और जो हमारा टीवी स्टार्टिंग का प्रॉब्लम था वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। आज का जो प्रॉब्लम था दोस्तों, मतलब आज का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। कैसे किया, हमारा सिस्टम से जो कीपैड स्विच को जो पॉइंट आता था, जो सेंस आता था, वोल्टेज आता था, वो वाला सिस्टम को मैंने काट के रिमोट को भी सेंसर भी को ऑन कर दिया, और टीवी को जो ऑटोमेटिकली ऑफ ऑन का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जब भी मैं नया नया वीडियो लिखाऊंगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।